Friend, live update. Good evening, Kolkata. 91.9 Friends FM. मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ केनिलवर्थ होटल के बिग बेन से। और बता दूं कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले चल रही थी सिग्नेचर स्टार्टअप लेकर आए थे मास्टर क्लास। जी हाँ, शूटिंग जो है वो इस वक्त थोड़ी देर पहले वीडियो शूट जो है वो चल रही थी और आज मास्टर क्लास में नजर आ रहे हैं नन अदर देन हम सबके फेवरेट ऑथर अमीश त्रिपाठी, जो इस वक्त कोलकाता शहर में है और उनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें होने वाली है। अमीश सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मेरे अपने दोस्तों के शहर में हूँ मैं। बिल्कुल वैसे जानना चाहूंगा, बहुत शानदार सा एक मास्टर क्लास हमने आज देखा, बहुत कुछ सर आपके बारे में जानने को हमें मिला, काफी इंस्पायरिंग था। कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? यार आप तो एम्बैरेस कर रहे हैं, मैं इतना इंस्पायरिंग नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं बहुत इंस्पिरेशनल। मैंने बस सोचा बस मेरी जो कुछ कहानियां हैं मैं थोड़ा शेयर कर लूँ, बस आप थोड़ा एम्बैरेस कर रहे हैं मुझे। नहीं ऐसे मत बोलिए। वैसे बता दूं आपको, इस वक्त 40 लाख लोग हमारे साथ हैं और जो सुन रहे हैं आपको इस वक्त फ्रेंड्स एफएम, उन सभी से कुछ कहते हैं एक अच्छे ऑथर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर कुछ कहते हैं तो? यार मैं तो ये कहूंगा कि अच्छे लेखक में पहले तो अगर वो लिखे तो दिल से लिखे, प्राइमरली जो गुण है वो यही होना चाहिए। दूसरी बात, जब किताब खत्म हो जाए तो ढंग से मार्केटिंग भी करना चाहिए, लेकिन पहली बात जब आप लिखें दिल से लिखें, ये ना सोचे कि किताब चलेगी कि नहीं, कि मार्केट को पसंद आएगी नहीं, क्रिटिक को पसंद, इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें, दिल से लिखें। थैंक यू सो मच अमीश सर, हमारे साथ बातें करने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच फ्रेंड एफएम, थैंक यू कलकत्ता, थैंक यू सो मच सर। दैट्स फॉर मी, बैक टू स्टूडियो।